बहुत ज्यादा अच्छा निकालना, नहीं तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। रॉक्स यहाँ पर आ गया, सेवन सी के प्रिंस को कंफर्म करेंगे। बट इसी बीच अगर आप बात करते हैं ओरैंगुटान के एश ओवेस को नॉकआउट करते हैं, ब्लाइंड की टीम को रोटेशन लेना पड़ेगा, उनके पास एक मैक्लारेन अवेलेबल है। ओजी ड्रेकर फ्रैंकी को नॉकआउट करते हैं, मतलब टीम फॉरएवर के लिए दिक्कतें बढ़ती है। प्लेयर 6 यहां पर ओजी एश को नॉकआउट करेंगे, ट्रेड आएगा ड्रेकर की तरफ से, मतलब एस्टेक टीम जो एक एंगल में फाइट ले रही है उसके बिल्कुल अदर साइड में आपको यहां पर फॉरएवर के साथ साथ ओरैंगुटान का फाइट नजर आएगा। एस्टेक फ्रैंकी क्लोज इन, बट 8 बिट कंट्रोल नहीं छोड़ रहे, बिलीव को भी नॉकआउट किया गया। आई बिलीव दैट्स इट, इट इज गोइंग टू मे बी ओके ओके। एक कंफर्मेशन आया सिर्फ, यहां पर कंप्लीट टीम शायद एलिमिनेट नहीं हो जाए। जी नहीं, यहां पर ओरैंगुटान की टीम जो है कंप्लीटली डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। चारों के चारों खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं, बिलीव को रिवाइव दिया जा सकता है, बट क्या रिवाइव मिलेगा? क्लच गॉड के द्वारा एक बहुत ही प्यारा सा जलेबी।